म्यूजियम से एक गुलाबी डायमंड रिंग चोरी हो गई है और ये चोर इतना अनोखा था कि आर्यनगर की बेस्ट पुलिस फोर्स भी कुछ नहीं कर पाई। ऐसी क्या खूबी है इस चोर की? ये देखो सीसीटीवी फुटेज कल रात की आर्यनगर म्यूजियम में। जरूर लौटेगा। इस अनोखे चोर को तो ढूंढना ही होगा। मिस पॉलाउजी के पैर देखे हैं, इतने मजबूत, ये तो कराटे वालों को भी पीछे छोड़ दे। एक चोर जो हवा से तेज घूमकर किक करता है, मिस पॉलाउजी भी तेज घूमती हैं और एक पैर पर बैलेंस भी कर सकती हैं। राजू, लगता है कि तुम बहुत ही हसीन सपना देख रहे हो। क्या क्लास की जगह सपने में डांस कर रहे हो? उफ एना, तुम हर काम बिगाड़ देती हो। सॉरी मिस पॉलाउजी। बच्चों, कल की क्लास लास्ट क्लास होगी और एक टेस्ट भी होगा, तो पूरी तैयारी करके आना। मेरी टिकट्स कंफर्म हुई हैं या नहीं आना? यस मैडम, आपकी वापसी की फ्रांस की टिकट बुक्ड है कल रात के लिए। कल रात की डिपार्चर? मतलब अगली चोरी आज रात को ही होगी। बस थोड़ी देर और, ये चोर जरूर आएगा। क्लास में बता देना, ओके? डांस क्लास? ओ नो, कल तो टेस्ट है। दर्शकों, अभी खबर मिली है कि पिछली रात आर्यनगर की चार बड़ी दुकानों में चोरी हुई है। कमिश्नर खन्ना का कहना है कि दुकानों की तिजोरियों पर एक अजीब जाला पाया गया है। पुलिसकर्मी हालांकि इसकी जांच पर लगे हैं, मगर काफी हैरानी है कि ये बना कैसे है। वाकई में एकदम मकड़ी के जाले जैसा, स्पाइडर्स वेब। ये जाला कहीं उसी फॉर्मूले से तो नहीं बनाया गया? फिर तो मामला बड़ा संगीन है। ये क्या? हीरो की खुशबू। जल्दी, हाथों में हथकड़ी भी लगेगी। इतनी भी जल्दी नहीं माइटी राजू। ये तो जरा भी चौंका नहीं। इसकी सुनने की शक्ति तो काफी तेज है। हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। स्पाइडर तो अपने रास्ते खुद बन लेता है।
सेंटर और चौरी स्ट्रीट, इन दोनों जगहों पर फायर इंजन भेजो फौरन। ये आग तो पूरे मोहल्ले को राख कर देगी। तेज धार पंजे, जानवरों से सुनने की शक्ति, भागने का रास्ता उसने सूंघ निकाला और वो तो भौंका भी। पिट्टू की तरह बहुत जोर से भौंक सकता है और जिम्मी कुछ भी सूंघ निकाल सकता है। और टाकी के अनोखे नुकीले पंजे और लोटो तो मीलों दूर की आवाज भी सुन सकता है। अब समझा, उस चोर ने तुम्हारे दोस्तों की खूबियां जान ली और उन्हें किडनैप कर लिया। पुलिस फोर्स के पुराने सुपर डॉगी, क्या मजेदार तरकीब बनाई ना इस स्पाइडर ने तुम्हारा इस्तेमाल करने की। अब इस रूट के सहारे स्पाइडर खुद के लिए एक ऐसी सेना बनाएगा जिसमें ये फॉर्मूला डाल देगा मनचाही शक्ति। समझे? सुनो बच्चों, आज हमारे टीम में एक नया स्टूडेंट हिस्सा लेगा जिसका नाम है धक्का सिंह। तो फिर चलो गेम के लिए तैयार। अरे कहाँ चला गया? अरे? मैं यहाँ हूँ सर। ओए यारा। सॉरी टीचर जी, मैं चलता तो सीधा ही हूँ, पता नहीं कैसे टकरा जाता हूँ। मैं अभी 5 मिनट में आया, तब तक बच्चों प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। धक्का सिंह जाओ, तुम चार्ली की टीम में खेलोगे। और अब कोई भी धक्का मुक्की नहीं, समझ गए? हाँ जी टीचर जी। हेलो धक्का सिंह, मेरा नाम जूली है, ये लो पानी। जूली, वाह वाह जूली जी, कितना प्यारा नाम है आपका। वो मैं जूली जी की तरफ देख रहा था और तुमसे टकरा गया, माफ कीजिए। अभी तुम्हें आए 1 मिनट नहीं हुआ और इतना टकराना भी शुरू कर दिया। पूरे दिन में तो स्कूल का नक्शा बिगाड़ दोगे। कोई बात नहीं दोस्त, मैं हूँ राजू और ये है गोपी। मैं धक्का हूँ, धक्का सिंह, स्कूल में और इस शहर में नया आया हूँ। हमारे स्कूल में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें यहाँ आते हुए कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? तकलीफ? सच में बहुत ही अच्छा था वो। जी ऐसी कोई बड़ी तकलीफ तो नहीं हुई है जी। ए, धक्का, तुम्हारा नाम धक्का किसने रखा? वो मेरे पापा जी का नाम मुक्का सिंह है, वो बड़े सही मुक्के मारते हैं। और मैं जी धक्के खाने में माहिर हूँ ना, तो कोई बात नहीं। धक्का, वैसे तुम्हें खेलना तो पसंद है ना? जी हाँ बिल्कुल, स्पोर्ट्स तो मेरा सपना है। मैं जी हर खेल में हिस्सा लेने को तैयार हूँ, कोई मुझे अपनी टीम में ले ले बस। ये क्या, तुम लोगों ने प्रैक्टिस क्यों बंद कर दी? धक्का जूली चलो बॉल फेंको, कम ऑन। मैं दिखाती हूँ थ्रो कैसे करते हैं। थैंक यू जूली। अरे धक्का संभाल के। ओहो धक्का सिंह, मुझे लगता है तुम्हारी और वॉलीबॉल की कभी नहीं पटेगी, तुम कोई और खेल देख लो। बच्चों अब हम कल मिलेंगे।